आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश के बंसल ग्रुप के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है। बंसल ग्रुप के भोपाल, मंडीदीप, महू समेत कई स्थानों में सर्चिंग की जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारी सुबह 6 बजे से कार्यवाही कर रहे हैं। आयकर टीम ने गेट पे ताला लगा दिया है और गार्ड रूम के फोन कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। इससे कंपनी के अंदर किसी भी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं किया जा सकता। अधिकारी मजदूरों से भी पूछताछ कर रहे हैं। आयकर अधिकारी जिन गाड़ियों से आए हैं उनमें पप्पू एंड पप्पू ढाबा, रश्मि एंड अरविंद 18 नवंबर 2022 की रिंग सेरेमनी के स्टिकर लगे हैं। अधिकारियों ने अपनी गाड़ियां भी गेट के अंदर कर ली हैं। इसी के साथ कंपनी के गार्ड्स को भी हटा दिया गया है। इससे पहले भी आयकर विभाग ने बंसल ग्रुप के 18 ठिकानों पर कार्रवाई की थी। भोपाल में बंसल ग्रुप ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम किया था। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब इसका नाम हबीबगंज से बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। बंसल ग्रुप ने कई सड़कों का निर्माण किया है। इनके टोल प्लाजा इसी ग्रुप के पास हैं। इसके अलावा भोपाल कोलार के 15 किलोमीटर नई रोड बनाने का 222 करोड़ का ठेका भी इसी ग्रुप को मिला है। अब्दुल्लागंज रातापानी इटारसी फोर लेन का 470 करोड़ का ठेका भी बंसल ग्रुप को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में इस सड़क मार्ग का वर्चुअल शिलान्यास किया है। बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप के संचालक सुनील बंसल और अनिल बंसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास माने जाते हैं। बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस भोपाल, बंसल कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोपाल, बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मंडीदीप, सुशीला देवी बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंदौर, बंसल हॉस्पिटल भोपाल, बंसल एक्सटेंशन एंड एक्सपोर्ट मंडीदीप, एसडी बंसल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड टीएमटी सरिया मंडीदीप, बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, बंसल माइंस एंड मिनरल्स भोपाल, बंसल टेक प्रोफेशनल भोपाल, बंसल पाथवे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, बंसल वन भोपाल आदि क्षेत्रों में बंसल ग्रुप काम करता है। बंसल कई क्षेत्रों में काम करने वाली एक ऐसी संस्था है जिसको सरकारी तौर पर कई ठेके दिए गए हैं और आज इस पर आयकर विभाग ने 80 ठिकानों पर छापा मारा है। कार्रवाई अभी जारी है।